सो हाय गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली हमारे चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 100 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। चलिए खैर, आज के वीडियो की बात करते हैं। सो इस स्पेशल ओकेजन पर हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ड की जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है, सबसे ज़्यादा उसे बर्बाद किया गया है, सबसे ज़्यादा उसकी भद पीटी गई है। और जितना एक्सप्लॉयटेशन किसी वर्ड का हो सकता है उतना इसका किया गया है। वो वर्ड है, वो एक्सप्लॉयटेड वर्ड है, प्रेम या फिर लव। हमने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्यार का मतलब सीखा है या लव का मतलब सीखा है, वो सीखा है बॉलीवुड से, पिक्चरों से, मूवीज़ से, कोई भी मूवी हो। बॉलीवुड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बॉलीवुड की ही पिक्चरें देखी हैं, शाहरुख खान को देखा है रोमांस करते हुए या किसी और स्टार को देखा है रोमांस करते हुए। हमने बेसिकली जो लव सीखा है वो मूवीज़ से ज़्यादा सीखा है, या फिर रियल लाइफ के अंदर भी जो हमने लव देखा है वो ज़्यादातर लव देखा है या प्रेम जो हमने देखा है वो दो लोगों के अट्रैक्शन को देखा है। हम दो लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसे प्यार बोलते हैं। पर जिस प्रेम की बात भक्त करते हैं या भक्ति योग जिस प्रेम की बात करता है, वो प्रेम ये नहीं है। ये सिर्फ बॉडी का अट्रैक्शन है। आपने किसी को देखा, एक लड़के ने लड़की को देखा या एक लड़की ने लड़के को देखा, उसे उसकी बॉडी पसंद आई, उसे उसका चेहरा पसंद आया, बाल पसंद आए, लुक्स पसंद आए, और वो लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट हुई। इस अट्रैक्शन को हम प्रेम बोल देते हैं, पर ये प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत ही अलग चीज़ है। प्रेम कोई बॉडी से संबंधित चीज़ नहीं है। अट्रैक्शन बॉडी से संबंधित चीज़ है, शरीर का गुण है अट्रैक्शन। सुंदर शरीर को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना ये शरीर का गुण है। पर प्रेम जो है या लव जो है वो शरीर का गुण नहीं है, वो आत्मा का गुण है। और प्रेम को जन्माना पड़ता है जैसे आत्मा को जन्माना पड़ता है। आत्मा आप हैं नहीं। जब कृष्ण कहते हैं कि आत्मा है, आप आत्मा हो, तो वो कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण आत्मा तक पहुंच चुके हैं। कृष्ण का ये कहना कि आप आत्मा हो या आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा के बारे में चर्चा करना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी लड़की को आप देख के ये कहो कि इस लड़की के अंदर माँ छुपी हुई है। तो जब ये कहा जाता है कि एक लड़की के अंदर माँ छुपी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि एक लड़की के अंदर, एक वयस्क लड़की के अंदर माँ बनने की पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बन गई है। वैसे ही आपके अंदर आत्मा को जन्माने की पॉसिबिलिटी, आत्मा हो जाने की पॉसिबिलिटी छिपी हुई है। आप अभी आत्मा हो नहीं गए हो, और आत्मा हो जाने में, आत्मा को जन्माने में बड़ी मेहनत लगती है। बिना आत्मा को जाने आप प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। एक तो तरीका ये है इसे समझने का। दूसरा तरीका प्रेम को समझने का क्या है, पर मैं ये बता दूं कि प्रेम कोई हल्की चीज़ नहीं है, आसानी से नहीं मिलती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रेम को पाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, आप जिस घर के बाहर रहते हैं, कई सालों से रहते होंगे वहां पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके घर के बाहर से कल सुबह या आज शाम को कौन सा ऐसा पहला आदमी होगा जो गुजरेगा? क्या पहली घटना होगी जो आपके घर के बाहर कल सुबह घटेगी? आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा चलिए, दूसरे एक और उदाहरण देता हूँ। आप अपने माँ बाप के साथ तो बचपन से ही रहते हुए आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कल सुबह उठकर आपकी मम्मी जब चाय बनाएगी या आपकी वाइफ जब चाय बनाएगी, तो वो पहले चाय पत्ती डालेगी या चीनी पहले डालेगी या कितने चम्मच डालेगी? क्या आप ये श्योरली बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसका अगर आप ऑनेस्ट जवाब देंगे, एकदम ऑनेस्ट जवाब देंगे, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि आप लाइफ के बने हुए हैं, और लाइफ एक हाईली अनप्रडिक्टेबल फिनोमेना है। लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी, लाइफ की खूबसूरती ही यही है। लोग इसकी अनप्रडिक्टेबिलिटी से डरते हैं,
बट लाइफ की खूबसूरती ही यही है कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मोमेंट होगा क्या, इसीलिए लाइफ बोर्डम से नहीं भर सकती। आपकी लाइफ बोर्डम से कब भर जाती है? जब आप एक सेम रिपीटेड पैटर्न में घूमते रहते हैं। लेकिन लाइफ को एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हर रोज़ वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों के अंदर घटनाएं बदल जाती हैं, इवेंट्स बदल जाते हैं, आप कह ही नहीं सकते अगले क्षण क्या होगा। इसलिए जो आदमी डीपली रूटेड होकर लाइफ को जिएगा वो कभी लाइफ से बोर नहीं हो पाएगा, वो हमेशा एक्साइटेड रहेगा। जब आप इस अनप्रडिक्टेबिलिटी को, लाइफ की इस अनप्रडिक्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करना सीख जाते हैं, इससे परेशान नहीं होते, आप इसे स्वीकार कर लेते हैं कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है और मैं इस अनप्रडिक्टेबिलिटी के साथ ही जीऊंगा, मैं इसमें कुछ भी बदलाव करने की कोशिश नहीं करूंगा, तब जिस चीज़ का जन्म होता है, एक इंसान के अंदर जिस चीज़ का जन्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रेम। लाइफ की अनप्रडिक्टेबिलिटी को स्वीकार करना, लाइफ को एक फिक्स ढांचे में ना बांधना, ऐसा इंसान जो लाइफ को एक फिक्स ढांचे में बांधने की कोशिश ना करे, जैसी है लाइफ उसे वैसा ही जिए, लाइफ के चैलेंजेस को वैसे ही स्वीकार करे जैसी लाइफ है, ऐसा आदमी प्रेम को उपलब्ध होता है और ऐसा आदमी ही भक्त बन पाता है। भक्त बुद्धि नहीं चलाता, भक्त सिर्फ क्या कहता है, ज़िंदगी मुझे जहाँ ले जाएगी, जिस कंडीशन में रहने के लिए कहेगी मैं उसी कंडीशन में रहूँगा, ये भक्त का प्यार है। भक्त अपने हालातों से लड़ता नहीं है, वो हालातों के साथ बह जाता है, जहाँ ज़िंदगी उसे ले जाती है चला जाता है, जिस कंडीशन में रखती है उस कंडीशन में रहता है। अगर नुकसान में रखेगी तो वो नुकसान में भी रहेगा, युद्ध के मैदान में खड़ा कर देगी तो वो युद्ध के मैदान में लड़ेगा भी। ये सुनने में बड़ा छोटा सा काम लग रहा होगा कि जस्ट गो, इसी को बोलते हैं जस्ट गो विद द फ्लो, लेकिन गो विद द फ्लो इतना आसान काम नहीं है। जहाँ पर भी ले जाए वहीं पर चले जाना कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं छोटी सी तो आपको इससे समझने में आसानी होगी। सिखों के गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आई थिंक गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को कत्ल कर दिया गया, लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु साहब के पास जब ये खबर पहुंची कि आपके पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि तेरा पानी मीठा लगे। तेरा पानी मीठा लगे का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो तू कर दे वो ठीक है, मैं अपनी मर्जी बीच में नहीं घुसाऊंगा, तू मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, तूने मुझे बनाया है, मैंने तुझे नहीं बनाया, तो तू ही जानता है कि क्या हो रहा है, तूने मुझे लड़ने लायक बनाया, मैं लड़ रहा हूँ, इसमें इस लड़ाई में किस किस की जानें जाती हैं वो भी तेरा ही खेल है, तू ही जान, तू जैसे रखेगा मैं वैसे ही रहूँगा। और यही है असली प्रेम, और असली प्रेम आसान नहीं है क्योंकि ज़िंदगी दुखों से भरी है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही है कि जीवन दुख है, और जीवन के दुखों के बीच मुस्कुराना और इसे स्वीकार करना, इस दुख भरी ज़िंदगी को स्वीकार करना, इसे गले लगाना और कहना कि हम जिएंगे, तू जैसा जलाएगी वैसा हम जिएंगे, ये कोई छोटा काम नहीं है, इसे छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। अगर आप लोगों को बात थोड़ी बहुत समझ में आई है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप लोगों का भी क्या व्यूज़ है। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।